अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। तो चलो जी, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हम जा रहे हैं शादी पे। और ये देखें, ये मेरी बेटी का दुपट्टा है हूर का, और ये आज क्योंकि मेहंदी है इसलिए ये मेहंदी का हूर का ड्रेस है, देखें। और ये है मुस्तफ़ा का ड्रेस, ये देखें। यहाँ पर रख के दिखाती हूँ ताकि अच्छी तरह आपको नज़र आ जाए। ये देखें, ये है मुस्तफ़ा का ड्रेस, और ये है, और ये है हूर का ड्रेस, और ये साथ इसका छोटा सा दुपट्टा है, एम्ब्रॉयडरी का दुपट्टा है। ये देखें, ये मैंने रेडीमेड ही लिया था, ये लहंगा मैंने खुद बनाया था, और जो ये कुर्ती है ये मैं इसकी रेडीमेड ही लेकर आई थी, और ये दुपट्टा भी मैं इसका रेडीमेड ही लाई थी। मुझे देखें कितना प्यारा उन्होंने छोटा सा बच्चों के हिसाब से बनाया हुआ है, मतलब जैसे बड़ों का दुपट्टा होता है ना, वैसे ही लग रहा है, ब्राइडल दुपट्टा ही लग रहा है। ये देखें आप, छोटा सा करती हूँ मैं बच्चों को रेडी। अभी तो ये बच्चे ये कार्टून देख रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? शादी में। और ये नहा के मैडम इस तरह ही बैठ गई है, और ये नहा लिया, अभी इसने नहाना है, और ये अभी देख रहे हैं कार्टून। चलें आ जाएं, अब हम होते हैं तैयार। इनको मैं ये कार्टून देखने नहीं देती होती, मैं कहती होती हूँ ये कार्टून देखकर ना तुम लोग ना उल्टे सीधे हरकतें करते हो, इसलिए इनको मैं ये वाले कार्टून नहीं देखने देती। लेकिन ये जो बच्चे हैं ना, ये बाज नहीं आते। चलें आ जाए, अब हम होते हैं तैयार, बच्चों को तैयार करते हैं। पहले मैं तैयार होंगी, फिर मैं बच्चों को तैयार करूँगी। मिलते हैं शादी में, बाय बाय। माशाल्लाह से हो रेडी हो चुकी है, और ये छोटी सी मेरी ब्राइडल लग रही है, और मेरा बड़ा ही दिल कर रहा था इसको मैं इस तरह से ब्राइडल की लुक की तरह तैयार करूं, और बहुत हैप्पी थी ये। और ये देखिए, ये मुस्तफ़ा भी रेडी हो चुका है, और अब हम निकल पड़े हैं शादी के लिए। और ये माशाल्लाह से हमारे घर के सारे बच्चे हैं जो बहुत एक्साइटेड हैं, और ये अयान तो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड है, गाड़ी में बैठ के मुझे। ये पागल हो गया है इब्राहिम, और ये इनकी कभी नहीं आपस कैसे छोटी दुल्हन देख लिया। ये है मेरी छोटी सी ब्राइड, आजो आजो। और ये है बोल लो बिल्ली, ये हमारी कैटो। और यहाँ पे खड़े हम वेट कर रहे थे बाकी मेंबर्स भी आ जाएं, तो फिर हम जल्दी जल्दी से अब मेहंदी के लिए निकल जाएं, क्योंकि आज तो आपको पता चल गया होगा ड्रेसेस से बच्चों के कि आज मेहंदी है। और अब हम निकल चुके थे मेहंदी के लिए, और यहाँ हम मेहंदी पे पहुँच गए हैं। और यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगी कि वो ये खाना जो वो अभी बना रहे थे, हम पूरे टाइम से पहुँचे थे, बल्कि लेट हो गए थे, लेकिन खाने के टाइम पे पहुँच गए थे हम लोग। और ये यहाँ पे बारबेक्यू हो रहा था, और पीछे वो नान वगैरह बना रहे थे, फ्रेश फ्रेश इन्होंने नान दिए थे, बड़े मजे के रखते फ्रेश। और ये अहमद भी आ चुका है, बहुत एक्साइटेड है, और ये अब हम अंदर जा रहे हैं। और चूंकि मेहंदी थी, गर्मी बहुत ज्यादा थी, और मेहंदी ओपन थी, और यहाँ पे बहुत 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 ही गर्मी थी, और बस एक्सपीरियंस जो हमारा रहा वो बहुत ही बैड रहा, क्योंकि गर्मियों में हमेशा जो मेहंदी है वो हॉल में ही करनी चाहिए, ओपनली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गर्मी से बहुत बुरा हाल था सबका। और ये हम क्योंकि लेट हो चुके थे, और जो हमें टेबल से वो नहीं मिले, और अब हम अंदर ही बैठ के जमीन पे बैठ के देसी लुक की तरह खाना खा रहे थे, ये आप देख सकते हैं। और ये यहाँ पे ये छोटी सी मेरी क्यूट सी अरीशा है, जो कि अपनी मेरे पास अंदर आ गई थी। और ये हो देखे, ये छोटे बच्चों को जितना मर्जी हम पहना देना, लेकिन ये इसने शादी के अंदर जाते ही इसने मुझे कहना शुरू कर दिया था कि मम्मा मेरा सब कुछ उतार दो, एक एक करके इसे हर चीज उतार दी थी। और ये देखें, ये है सालन, चावल और बारबेक्यू था, बोतल थी, और ये मैं चावल खाने लगी हूँ।
और यहाँ जमीन पे इजी होकर हमने खाया था, जमीन पे बैठ के खाने का हमें बड़ा मजा आया था, चाहे हम टेबल पे बैठ के इतना खाने का मजा आता है या ना आता है, यहाँ पे बैठ के हमें खाने का बहुत मजा आया था। और ये थे ये बच्चों जिनको मैं छेड़ रही हूँ और तंग कर रही हूँ, और ये देखिए ये सारे। अब हमने मेहंदी का जो था आधे से ज्यादा फंक्शन हमने देखा ही नहीं था क्योंकि हम लेट हो चुके थे, और मैंने पहले भी बताया हम लेट हो चुके थे। और ये देखिए ये बच्चे सारे इंजॉय कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ये भी कहते होंगे शादी में आकर हमने इस तरह खाना खाया। और चलो जी ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। और मैं नेक्स्ट लेकर आऊंगी बारात का व्लॉग, ये था हमारा मेहंदी का व्लॉग, तो आपने बताना जरूर है कि आपको ये कैसा व्लॉग लगा है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।